किसी कवि ने बहुत खूब कहा है कि वैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन। हे प्रभु, अगर तुझसे प्रीत हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। हाय, मैं हूँ दीपक और आज मैं आपको मुंबई के एक बहुत ही बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार के ऊपर अपनी कुछ भावनाएं व्यक्त करना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि ये त्यौहार मुझे बहुत दिल से अच्छा लगता है, बहुत सी खुशियाँ लाती है ये त्यौहार, लेकिन सोचने पर तब मजबूर हो जाते हैं जब लंबी लंबी कतारों में रात दिन भूखे प्यासे नंगे पांव लोग खड़े रहते हैं, लेकिन मन में श्रद्धा और भक्ति इतनी होती है कि हर साल उतनी ही भीड़ उमड़ती है, सिर्फ और सिर्फ बापा के दर्शन करने के लिए। ये बापा की कृपा ही है। पता है आपको, ये हम सब जानते हैं कि अगर कोई अगर घर में बापा को लाए तो सारे के सारे पड़ोसी मिलकर एकजुट होकर साथ में जाते हैं बापा को लेने, और हर रोज़ नियम से उनका आरती करने के लिए एक साथ आ जाते हैं। वही बापा को अगर हम किसी गली या मोहल्ले में बिठाए तो भी सारे गली और मोहल्ले के लोग एकजुट हो जाते हैं, और वही बापा को अगर हम जब विदा करने के लिए, विसर्जन करने के लिए जब हम जाते हैं तो उस दिन ऐसा लगता है कि सड़कों पर सारी मुंबई की सारी जनता, आम लोग सड़कों पर अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। हर जगह पर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, एक ही नारा गूंजता रहता है। अनेक कठिनाइयां भी आती है, लेकिन इन कठिनाइयों को भी मुंबई के लोग एकजुट होकर सामना करते हैं, एकजुट होकर उससे लड़ते हैं, क्योंकि मन में श्रद्धा और भक्ति इतनी अखंड होती है उनके। सच में मुंबई में मनाया जाने वाला ये त्यौहार, मुंबई में ये जो त्यौहार मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का, ये एकता का बहुत बड़ा परिचय देता है। आप सभी को गणेश उत्सव का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र।